70% ब्लॉकेज हमने कर दिया तो फिर आप समझ लीजिएगा कि ये 70 से 80 होगा, 90 होगा और 100% ब्लॉकेज होगा और हार्ट अटैक 100% होगा। हेलो एवरीवन, हार्ट अटैक बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम होती जा रही है और अभी रिसेंट में जो केसेस हमें देखने को मिल रहे हैं, रिसेंट में बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जो हैं बहुत ही फिट बॉडी है, जिम भी कर रहे हैं, वर्कआउट भी कर रहे हैं, लेकिन उनकी हार्ट अटैक से डेथ हो रही है या कई ऐसे रिसेंट में केसेस देखने को मिले, ऐसी स्टडी देखने को मिली हार्ट अटैक की प्रॉब्लम की वजह से पेशेंट की डेथ हुई। तो ऐसी सिचुएशन क्या है? और एडल्ट्स हैं, ऐसा भी कोई ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली बात नहीं है कि मतलब कोई ज़्यादा उम्र हो, कोई ज़्यादा एज हो, 50 प्लस हो या 55 प्लस हो, 40 प्लस के आसपास जा रहे हो, 40 प्लस के नीचे भी कई ऐसे केसेस देखने को मिले जिनकी हार्ट अटैक से डेथ हुई। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे हार्ट अटैक को कैसे पहचानेंगे, व्हाट इज़ हार्ट अटैक, थोड़ा सा डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा, वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है। हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर लोकेंद्र डीपीएच वीएचएमएस फ्रॉम ग्वालियर मध्य प्रदेश। आज के इस वीडियो में हार्ट के बारे में समझेंगे और हार्ट अटैक क्यों होता है, इसे तुरंत कैसे पहचाने, इसके लक्षण क्या होते हैं, आज के इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे। सो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और हर एक व्यक्ति तक इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, फॉरवर्ड ज़रूर करें, जिससे कि हर एक व्यक्ति का इस वीडियो से बेनिफिट्स हो सके, इस वीडियो से फ़ायदा हो सके। सो सबसे पहले समझिएगा हार्ट हमारा क्या है। देखिए ये एक छोटा सा मैं हार्ट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट। अब ये हमारे लेफ्ट साइड में सिचुएटेड होता है, यानी कि इस साइड में जो हमारा बायां हाथ है इस साइड में ये प्लेस्ड है, राइट, कहाँ पर? चेस्ट में। अब चेस्ट में ये प्लेस्ड है तो इसके अंदर ब्लड आ भी रहा है और जा भी रहा है। अब देखिए इसके चार चैम्बर होते हैं, मैं आपको बहुत अच्छे से इजी तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। चार चैम्बर होते हैं, सबसे पहला जो चैम्बर होता है वो होता है राइट एट्रियम, ठीक है, और ये होता है लेफ्ट एट्रियम। मैं आपको ये शॉर्ट में इसलिए बता रहा हूँ जिससे कि आपको कन्फ्यूजन ना हो और इजीली यहाँ पर हम लिख सकें। और नीचे वाला जो ये हिस्सा होता है, हाफ हिस्सा किस में चला गया? एट्रियम में चला गया, और हाफ हिस्सा किस में चला गया? वेंट्रिकल में चला गया। तो ये होता है राइट वेंट्रिकल और ये होता है लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। तो अब देखिए ये एट्रियम है दोनों और ये वेंट्रिकल्स हैं। अब देखिए इसमें कन्फ्यूजन कहाँ पर होता है और हार्ट अटैक से इसका क्या रिलेशन है, हार्ट अटैक क्यों आता है और इसे हम कैसे पहचान सकते हैं, कैसे बचाव कर सकते हैं? तो देखिए मैं आपको कुछ बताने की कोशिश करूंगा। जैसे ये जो हमारा पार्ट है, यहाँ से इस पार्ट में हमारा ब्लड आ रहा है नीचे से, जो हमारे पैर हैं, एब्डोमिन है, दोनों पैरों का जो ब्लड आ रहा है वो नीचे से आता है, जिसे हम कहते हैं इन्फीरियर वेना केवा, ठीक है। इन्फीरियर वेना केवा से हमारा ब्लड किस में आ रहा है? इसमें आ रहा है, राइट। और ऊपर से जो ब्लड आ रहा है, जैसे हमारे हाथों का ब्लड है, हमारे सिर का ब्लड है, वो इसमें ऊपर से आ रहा है, इसी चैम्बर में आ रहा है, इसे हम बोलते हैं सुपीरियर वेना केवा, राइट। अब सुपीरियर वेना केवा एंड इन्फीरियर वेना केवा, इन दोनों का ब्लड, जो ब्लड हमारे शरीर में डीऑक्सीजनेटेड है, बात समझ रहे हैं, जिसमें ऑक्सीजन की कम मात्रा है, वो ब्लड हमारे सीधे राइट एट्रियम में आ रहा है, ठीक है, राइट एट्रियम में आ गया। अब हमें इस ब्लड को शुद्ध करना है, यानी कि इसमें ऑक्सीजन मिलाना है। तो ये ब्लड जो है यहाँ से आएगा, ये ब्लड आपका आ जाएगा यहाँ से इसमें राइट वेंट्रिकल में। अब ये राइट वेंट्रिकल से ये ब्लड कहाँ जाएगा? लंग्स के लिए जाएगा, क्योंकि लंग्स के अंदर ही ऑक्सीजन है। अब लंग्स के अंदर ऑक्सीजन कैसे है? क्योंकि जो हम सांस लेते हैं वो ऑक्सीजन लंग्स के अंदर जाता है और लंग्स से लंग्स के अंदर ये ब्लड भी जाता है, तो ये दोनों लंग्स के अंदर क्या होते हैं? मिक्स हो जाते हैं और ऑक्सीजन जो होता है वो ब्लड के अंदर बैठ जाता है, आरबीसीज के अंदर चला जाता है, मिक्स हो जाता है। और ये जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यानी CO2 है, जो हम CO2 लेके आ रहे हैं, ये जो हम CO2 लेके आ रहे हैं, ये CO2 हमारी फेफड़ों में चली जाती है और फेफड़ों से बाहर निकाल के हम सांस के द्वारा बाहर निकाल देते हैं, राइट। इतना समझ में आया? अब फेफड़ों से ब्लड आएगा भाई, जैसे यहाँ से ब्लड जाएगा, ये ब्लड जाएगा हमारे
कहाँ के लिए, फेफड़ों के लिए, ये आ गया लेफ्ट लंग्स के लिए, और यहीं से एक और इसमें इधर चला जाएगा तो ये चला जाएगा हमारा राइट लंग्स के लिए, राइट। इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पर हमारे क्या है, लंग्स हैं। अब मैं लंग्स आपको थोड़ा सा बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। ठीक है, ये हमारे लंग्स हैं। अब देखिए लंग्स ये बड़ा छोटा इस पर फोकस नहीं करना, क्योंकि मैं आपको इजी तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये डायग्राम्स थोड़े बहुत टेढ़े मेढ़े हो सकते हैं। अब यहाँ पर ये जो ब्लड आ गया, इसमें क्या है, इसमें ट्रेकिया के द्वारा हम सांस लेते हैं, तो इसके अंदर जो है ये ब्लड हमारा O2 से CO2 से ये कन्वर्ट हो रहा है O2 में, यानी O2 हम सांस के द्वारा ले रहे हैं और CO2 हम शरीर से बाहर फेंक रहे हैं, ठीक है। इतना हो गया। अब यहाँ से ब्लड वापस जाएगा, यहाँ से ब्लड वापस आएगा किस में, लेफ्ट एटीएम में, इस वाले पार्ट में हमारा दोनों लंग से इसमें हमारा ब्लड आएगा, ठीक है। अब इसमें जो ब्लड आया हमारा, इसके अंदर जो ब्लड आया, ये ब्लड हमारा यहाँ से आया इसमें, यानी लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब जो लेफ्ट वेंट्रिकल में और राइट वेंट्रिकल में ब्लड है वो CO2 रहित है, यानी उसमें CO2 नहीं है, ठीक है। इसमें बिल्कुल भी CO2 नहीं है, इसमें केवल है O2, और इधर क्या था, CO2, ठीक है। तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड इसके अंदर है और CO2 इधर है, तो CO2 हमारा फेफड़ों में गया और फेफड़ों ने हमें O2 करके भेज दिया, ठीक है। अब O2 जो हमारे पास आया, O2 को हम O2 बोल देते हैं, जिससे कि समझ में आ सके कि ये लंग्स से हमारे पास आया है, ठीक है। अब जो O2 हमारे पास, यानी O2 हमारे पास आया, ये हमारे शरीर में, पूरे शरीर में डिस्ट्रीब्यूट होगा। यहाँ से ये जाएगा पूरे हाथ पैर के लिए, ऊपर के लिए, जो जैसे यहाँ से ये एक एओटा टाइप का एओटा बनता है, मैं आपको कोशिश करता हूँ बनाने की, यहाँ से ऐसे करके, यहाँ से ऐसे करके एक एओटा निकलता है, ठीक है। इसे हम बोलते हैं एओर्टा, ठीक है। और यहाँ से ऊपर के लिए चली जाती हैं कुछ वेंस ऐसे करके, ठीक है। तो ये ऊपर के लिए चला गया, ठीक है, और ब्रेन के लिए चला गया, यहीं से हमारी हाथों के लिए, थोरेक्स के लिए आ गया, तो ये ब्लड सप्लाई हो गई, यानी पूरे शरीर में ये O2 घूमेगा। आप O2 घूमेगा, ठीक है, पूरे शरीर में O2 जाएगा, क्योंकि ये से ऑक्सीजन पहुंचाना है, है ना। तो ये रेड कलर का जो आप पार्ट देख रहे हैं, ये हमारा O2 घूम रहा है। अब यहां पर हार्ट अटैक का संबंध समझिएगा। हार्ट अटैक समझने के लिए आपको दो चीज़ें समझनी होंगे। एक तो हमारे हार्ट की ब्लड सप्लाई। अब हार्ट की ब्लड सप्लाई क्या है, देखिए यहाँ पर आप दिखाते हैं, ये हमारा नॉर्मली हार्ट है, ये मैंने आपको बड़ा डायग्राम बनाया जिससे आपको समझ में आ सके, ये हमारा हार्ट है। अब हार्ट के लिए भी तो ब्लड सप्लाई चाहिए ना, क्योंकि हार्ट के लिए जो ब्लड सप्लाई आएगी, हार्ट के लिए जो ब्लड सप्लाई आएगी उसी से तो हमारा हार्ट काम करेगा। ये हमने पूरे शरीर को ब्लड दे दिया लेकिन हार्ट को अभी तक ब्लड नहीं दिया है, तो हार्ट को हम ब्लड देंगे। अब हार्ट को जो एओर्टा निकल रहा है उसकी ब्रांच हमें आती है, तो उसकी ब्रांच से एक इधर चली जाती है और एक इधर चली जाती है, तो इधर जो आने वाली है, इधर जो आने वाली है, इसे हम कहते हैं क्या, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, ठीक है, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। अब इसकी ब्रांचेस होती हैं लेफ्ट सर्कमफेरेंस, ठीक है, इसके और नीचे चली जाती है तो लेफ्ट इंट्रावेंट्रिकुलर आर्टरी, ठीक है। तो ये लेफ्ट वाले पार्ट को हमारे को ब्लड दे रही है, हार्ट के को, इसी तरीके से राइट वाले हार्ट को दे रही है, तो ये राइट कोरोनरी आर्टरी हो गई, ठीक है। ये राइट कोरोनरी आर्टरी हो गई, ये लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी हो गई। अब लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी में अगर कहीं ब्लॉकेज होता है, जैसे मान के चलिए आप किसी पेशेंट से मिलने गए और किसी पेशेंट को हार्ट अटैक की शिकायत थी, या मान के चलिए किसी पेशेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, अब यहाँ पर अगर हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है मरीज को, तो थोड़ी बहुत देर में उस मरीज को यहाँ पर ब्लॉकेज होने से परेशानी होना स्टार्ट हो जाएगी। कैसे, जैसे मरीज थोड़ा बहुत चल रहा है,
हल्का फुल्का चलने फिरने पर उसको जब कभी उसको समस्या आ जाती है, यानी कि ये जो ब्लॉकेज है ये 60% ब्लॉकेज है अगर थोड़ा बहुत चलने पर प्रॉब्लम हो रही है। अगर मरीज को मैं और समझाने की कोशिश करता हूँ आपको, ठीक है। अगर मरीज को मान के चलिए बैठे बैठे समस्या होने लगी या उसने सीढ़ियाँ चढ़ी तुरंत उसको समस्या होने लगी, बैठे बैठे समस्या होने लगी, तो ये आपका ब्लॉकेज पहुंच गया 80% पे, 80% 90%। और अगर मान के चलिए पेशेंट को बिल्कुल बैठा है और अचानक से हार्ट अटैक आ जाए, इसका मतलब ये हमारा पूरा ब्लॉकेज हो गया। अब देखिए ये जो हमारी आर्टरी है, ऐसे समझिएगा, ये जो हमारी आर्टरी है ये 70% ब्लॉकेज, 80% ब्लॉकेज और ये 100% ब्लॉकेज। अब ये जो 70% ब्लॉकेज है इसमें मरीज को चलने फिरने पर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होगी क्योंकि ब्लड का फ्लो कम रहेगा, और बैठे बैठे भी प्रॉब्लम हो रही है, इसका मतलब ये और ज़्यादा ब्लॉकेज बढ़ गया। और ये जो 100% ब्लॉकेज हो रहा है यानी पेशेंट को हार्ट अटैक आ जाएगा ऐसी सिचुएशन में, तो ये हमारा 100% ब्लॉकेज है। तो इस 100% ब्लॉकेज को हमें रोकना है। 100% ब्लॉकेज को कैसे रोक सकते हैं, इसका क्या रीज़न है, बनने का क्या रीज़न है? हम जब भी चार चीज़ें खाते हैं, चार चीज़ों का ध्यान रखिए। सबसे पहली चार चीज़ें खाने के साथ में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें याद रखनी है। सबसे पहली लाइफस्टाइल, दूसरा कोलेस्ट्रॉल, तीसरा लो वर्कआउट और चौथा हमें खुद नहीं पता है कि हम क्या कर रहे हैं, हमें खुद नहीं पता है कि हम कर क्या रहे हैं, क्योंकि ये मैं आपको डैश छोड़ रहा हूँ उसका अभी थोड़ा सा बाद में डिले बताऊंगा मैं आपको, लेकिन ये तीन चीज़ें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लाइफस्टाइल यानी कि हम वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, हम सेडेंट्री लाइफ जीना चाहते हैं। कोलेस्ट्रॉल यानी कि हम बहुत ज़्यादा ऑयल वाली चीज़ें खाना चाहते हैं, और लो वर्कआउट यानी कि हम अपने बॉडी पर कोई ज़्यादा प्रेशर नहीं देना चाहते हैं। जो शरीर के अंदर एनर्जी है, लो एनर्जी कंजप्शन, लो एनर्जी कंजप्शन यानी कि अगर शरीर के अंदर लो एनर्जी कंजप्शन कर रहे हैं हम, वो फैट जमा होता जा रहा है, फैट जमा होता जा रहा है, वही फैट हमारे कोलेस्ट्रॉल ये ब्लॉकेज का कारण बनता है। तो ये जो ब्लॉकेज हो रहा है वो इन चार चीज़ों पर डिपेंड करता है। पांचवी चीज़ है फैमिली हिस्ट्री होना। अगर किसी को फैमिली हिस्ट्री है, फैमिली में किसी को अगर हार्ट अटैक आया है, तो उस फैमिली में पेशेंट को, उसके बच्चों को हार्ट अटैक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, राइट। तो ये पांच चीज़ें हमें ध्यान रखनी होगी। क्या क्या है? लाइफस्टाइल चेंज कीजिए, कोलेस्ट्रॉल कम खाइएगा, लो वर्कआउट थोड़ा सा बढ़ाइएगा, एक जगह बैठे हो तो थोड़ा चलने फिरने की कोशिश कीजिएगा, एनर्जी ज़्यादा कंजप्शन कीजिएगा। एनर्जी कंजप्शन मतलब कि खाना नहीं है आपको ज़्यादा, जो शरीर में स्टोरेज हो रहा है उसको खर्च कीजिएगा भैया। खर्च नहीं करोगे तो ज़्यादा इकट्ठा होता चला जाएगा और वो परेशान करेगा। फैमिली हिस्ट्री, अगर फैमिली हिस्ट्री है तो आपको ये चार चीज़ें बहुत ज़्यादा सतर्कता से फॉलो करनी पड़ेंगी, ये फैमिली हिस्ट्री में आता है, राइट। ये चीज़ हो गई। तो हार्ट अटैक से बचने के लिए हमें तीन चार चीज़ें ध्यान रखनी होंगी। सिम्टम्स क्या होते हैं, कैसे पहचान सकते हैं? तो अगर सिम्टम्स की बात करें, सबसे पहला होता है हैवी चेस्ट पेन। हैवी चेस्ट पेन, पेशेंट को बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि पेशेंट उसकी छाती को जकड़ रही है, राइट। बहुत ज़्यादा हैवी चेस्ट पेन होता है और बहुत तेज़ दर्द होता है, राइट। ये चेस्ट पेन हार्ट अटैक का आपको बता रहा हूँ। दूसरा होता है लेफ्ट हैंड में रेडिएट होता है, ठीक है। या इसे कहें कि रेडिएट टू लेफ्ट हैंड, राइट। अगर यानी कि लेफ्ट हैंड में रेडिएट मतलब यहां से दर्द यहां तक आएगा, ठीक है। तीसरी चीज, जो गैस की दवाइयां हैं नॉट रिलीव बाय गैस मेडिसिंस या एंटासिड्स,
एंटासिड से जो मेडिसिन हैं आपको इससे रिलीफ नहीं मिलेगा। चौथी चीज़ है, उस पेशेंट की सांस फूलने लगेगी, उस मरीज को पसीना आने लगेगा, स्वेटिंग। पांचवा है, उस मरीज को जो स्वेटिंग हो रही है बहुत तेज स्वेटिंग होगी। और पांचवे नंबर पर जो सिम्टम्स है वो पेशेंट को देखिए, हैवी चेस्ट पेन हो गया, लेफ्ट साइड के हैंड में रेडिएट होता है, एंटासिड से कोई रिलीफ नहीं मिलेगा, स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होगी और उस मरीज को सांस लेने में दिक्कत होगी, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग। तो ये सिम्टम्स होते हैं आपके हार्ट अटैक के, राइट। तो हार्ट अटैक के जो सिम्टम्स हैं एक बार मैं आपको बताता हूँ, हैवी चेस्ट पेन, लेफ्ट हैंड में रेडिएट होता है, एंटासिड से रिलीफ नहीं मिलेगा, स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है और सांस लेने में तकलीफ, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग होता है। तो ये हार्ट अटैक के कुछ सिम्टम्स हैं। अब बचना कैसे है, ये लाइफस्टाइल मैंने आपको बता दिया, ये सारी चीज़ों में अगर आप चेंजेस करते हैं तो आप हार्ट अटैक से श्योरली बच सकते हैं और हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम आपको किसी भी मरीज को नहीं होगी। आई होप कि वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और 100% ब्लॉकेज, इवन मैं तो ये कहता हूँ कि 70% ब्लॉकेज भी मत होने दीजिएगा। अगर 70% ब्लॉकेज होगा तो वो 80 पर भी जाएगा और 80 होगा तो वो 100 पर भी जाएगा, ये 100% श्योरिटी है। तो कोशिश ये कीजिएगा कि 70% ब्लॉकेज नहीं होना चाहिए। अगर 70% ब्लॉकेज हमने कर दिया तो फिर आप समझ लीजिएगा कि ये 70 से 80 होगा, 90 होगा और 100% ब्लॉकेज होगा और हार्ट अटैक 100% होगा। इस बात को आप याद रखेंगे तो आप हमेशा बचे रहेंगे कि हमें 70% ब्लॉकेज बिल्कुल भी नहीं करना है। आई होप कि वीडियो से बहुत कुछ सीखे होंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करें, इस तरह की और वीडियोज़ देखने चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।